फ्रेंड नमस्ते, जय माँ ज्वालपा। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 10 बजे से, 10 बजने वाली हैं। और ज़्यादा स्पीड में हूँ क्योंकि जा रही हूँ मैं नोएडा स्टेडियम में अपने स्टॉल पर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। कल तो हम 6:30 बजे चले गए थे, आज मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ा लेट आना, तो इसके ताऊ जी, पापा, मामा सब लोग चले गए हैं। तो आओ आप लोग भी सब आओ नोएडा स्टेडियम में, महामेले का आनंद लीजिए। अच्छे अच्छे गढ़वाली गाना, डांस, एक से एक झांकियां, बहुत सुंदर। और मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी जितने भी लोग NCR से बाहर हैं, विदेश में, तो सब देखते रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम यहाँ पे सारी गढ़वाली रेसिपी लगी हुई हैं, गढ़वाली दालें, उत्तराखंड की दालें, और एक से एक उत्तराखंड की बनी हुई चीज़ें अपने हाथों से। ये देखो कितनी सुंदर दिवाली में बनते ना जैसे डिज़ाइन, तो सब यहाँ पे बन रखे हैं। ये देखो ये सारा उत्तराखंड से आ रखा है और इन लोगों ने अपने हाथों से बना रखा है इन टोकरियों को, क्योंकि हम देखते रहते हैं टीवी में। इधर कपड़ों के स्टोर लगे हुए हैं, खादी कपड़े, कश्मीरी। बाकी इधर सारे खाने के स्टॉल हैं, और पहाड़ी कंडली का साग, भटवाणी, झंगोरे की खीर, सारे ना हाथ के बने स्वेटरें, मफलर सब आ रखे हैं। पहाड़ी आलू के गुटके, भांग, पहाड़ी नींबू की चटनी, पहाड़ी का पहाड़ी रायता, पकौड़ी, वहाँ तक लगे हुए हैं स्टॉल। हमारा भी बीच में है। ये सारी कपड़ों की लगी हुई है, पहाड़ी माल्टे वगैरह सब दालें। ये देखो हमारा आज का मेन्यू है छोले, छोले बन रखे हैं, और इधर बन रखी है आलू की सब्जी, आलू रसा बोलते हैं कोई, कोई आलू तर्री बोलते हैं, और ये चावल भी बन गए हैं। इसमें क्या है? बिरयानी, वेज बिरयानी। ओ हो, इसमें वेज बिरयानी, वाओ वेज देखो। और ये हमारे सैफ साहब हैं जिन्होंने ये 10 बज रही हैं और सारा खाना रेडी करे, और घर से आए हैं ये 7 बजे। चावल बिचरे चलो, चावल। और ये बनी है चटनी, मतलब आइटम निकाल के अपनी मर्जी से कुछ ना, एक चीज़ और, एक आज चीज़ और बना। छोले चावल भी रेडी है, आलू चावल भी रेडी है, आलू चावल, आलू चावल भी रेडी है, आलू चावल भी रेडी है, छोले चावल भी रेडी है, और वेज बिरयानी रेडी है। वेज बिरयानी ये गल होनी चाहिए, नहीं निकल। और ये फूड दे देगा, ये क्या है? ऑनियन फ्राई, ऑनियन है बिरयानी के लिए। अच्छा ऑनियन फ्राई है बिरयानी के लिए, और सलाद भी रख दो इधर ही। अभी सैलेड आ रहा है, सैलेड भी लेके आओ भैया। हमारे सैफ साहब बहुत तेज हैं, दो सैफ लगे हुए हैं पीछे इधर। यहाँ है हमारी रसाई। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं ब्लॉग के माध्यम से जो भी बनता है हमारे स्टॉल में, और पराठे भी हैं। मैंने अभी नाश्ता नहीं करा है। इसमें है बॉइल्ड राजमा, ये बॉइल है, कम नहीं सुनी है, चरा नहीं सुनी, नहीं ये पत्र बोलो ना, युक्का कोचा काउ के ना। ये हमारा स्टॉल हो चुका है तैयार, खाना उना सब रेडी हो गया है हमारा। तो आप लोग भी जरूर आना यहाँ पे हमारे स्टॉल का स्वाद चखने के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ गाने चल रहे, नाचने का
मिर्च पूरी यहाँ पे उत्तराखंड की सारी खाने पीने की चीज़ें आ रखी हैं, सब हमारे उत्तराखंड से बन के आ रखे हैं ये। और कई प्रकार की चीज़ें हैं हमारी जो उत्तराखंड में होते हैं। ये स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है गढ़वाली, तो ये सारे स्कूल के बच्चे हैं, बारी बारी करके सब अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे उत्तराखंड की सारी साग सब्जियाँ आ रखी हैं, अरबी है, अदरक है, मूला है, कच्ची हल्दी है, माल्टा, नींबू, सारा उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट हैं। स्टॉल नंबर 44। यहाँ पे सारी उत्तराखंड की दालें हैं, प्योर दाल, पूरी उत्तराखंड की दालें हैं, माल्टे, नींबू, हर चीज, मंडवे का आटा, गैत, दाल, भट, सब कुछ यहाँ पे आके विजिट करना सब लोग। गांव की लसन। हेलो जी, अब लंच की तैयारी शुरू हो गई है और रोटी बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म। ये आलू के पराठे, ये आलू के पराठे
और इसके साथ है दही, घर की बनी हुई चटनी। मुझे भी बेलनी पड़ रही है, थोड़ा यहाँ पे कमी पड़ गई है बनाने वालों की। तो रोटी में आदमी की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। आज हम लोगों के ज्यादा आइटम बना रखे हैं ना, तो मैंने कहा थोड़ा इनके लिए नाश्ते के लिए बना दूँ, अपने अपने लिए, बच्चों के लिए। बाकी तो हमारे सैफ साहब बना रहे हैं, सैफ हमारे नंबर वन। इसमें बन रही है राजमा। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, खड़े हो रखे हैं यहाँ पे, अपनी प्रस्तुति देने के बाद हमारी शॉप पे आ रखे हैं। ये केवल इन हमारे उत्तराखंड की ये शॉप है भाई साहब की, और यहाँ पे ये कंप्यूटर वगैरह की है, तो खूब सेल वगैरह भी अच्छे से हो रही हैं। तो अपने उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी बेनिफिट है यहाँ पर, तो आप लोग सब यहाँ पे पधारिए, आए और यहाँ पे विजिट करिए। सरकार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महाकौंदी मेले में आए हैं, अपना उत्तराखंड की पूरी संस्कृति को आप दिखा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे खान पान है, जो दाल वगैरह यहाँ पे जो गांव हमारे उत्तराखंड की सब्जी की होती है वो आप दिखा रहे हैं सर, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और धन्यवाद हम अपनी तरफ से आपको देते हैं कि आप हमारे स्टॉल में आए आसार कंप्यूटर में, और हमारी जो ये लैपटॉप और डेस्कटॉप जो हमने सेल लगा रखी है उनको दिखा रहे हैं, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आपके माध्यम से आपके जितने भी ब्लॉग में फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके ब्लॉग में जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देख रहे हैं, वो आप उनके माइंड को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास भी ये एसआर कंप्यूटर में जो हमने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना 14,850 का ये हमारा डेस्कटॉप है। ये लो, ये 14,850 का डेस्कटॉप है, इसमें एक साल की वारंटी है। जो हमारे उत्तराखंड की मिडिल क्लास के घरों के लोग होते हैं, जो बड़ा महंगा कंप्यूटर नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए हमने विशेष ये कंप्यूटर बना रखा है 14,850 में, ये कंप्यूटर उनके लिए है, और इसके एक साल की वारंटी हम उनको दे रहे हैं। और ये भी है कि अगर किसी के घर में किसी के पास अगर इतना फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है तो एक या दो तीन किस्तों में भी कंप्यूटर खरीद सकते हैं। ये हमने महाकौशिक मेले में इसलिए स्पेशल उत्तराखंडी भाई लोगों के लिए कर रखा है। उसके बाद हमारे पास एक और HP का ब्रांडेड कंप्यूटर ये है, इसकी वारंटी भी आपकी 16,850 का, इसकी वारंटी एक साल की है 16,850 का। ये भी आप अपने चैनल के माध्यम से अपने जितने भी सब्सक्राइब है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के हैं वो देख रहे होंगे, तो उनके लिए बेनिफिट होगा कि हाँ भाई ये अपने उत्तराखंड में एक एसआर कंप्यूटर के नाम से जो शॉप है वो सब लोग इसका बेनिफिट उठाए। उसके बाद हमारे पास है साहब एक लैपटॉप, जो बच्चे लोग लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं, महंगा लगता है उनको, तो हमने उनके लिए 18,000 का लैपटॉप रखा है, इसकी एक साल की वारंटी है, और सारे फीचर्स इसमें है कि जो बच्चा सीख सकता है अपना पूरा अपने घर के लिए यूज कर सकता है। ये भी हमारे पास 18,000 का लैपटॉप है। तो हमारे पास आप ये है, हमने जो स्पेशल कर रखा है डेल के, जो हमारे पास होलसेल प्राइस है डेल के नए लैपटॉप, डेल के हाँ स्टार्टिंग मॉडल ही डेल का 39,000 रुपये का लैपटॉप है हमारे पास। इसकी i3 है, इसकी 8 GB की रैम है, 12th जनरेशन है, 512 SSD है, 15.6 इंच स्क्रीन है, विंडो 11 है, MS ऑफिस है, और इसके साथ हम एक लैपटॉप का बैग भी समय महाकौतिक में फ्री दे रहे हैं। महाकौतिक मिले डिस्काउंटेबल, भारी डिस्काउंट जी। और इसके बाद हमारे पास HP के लैपटॉप भी हैं, HP के लैपटॉप स्टार्टिंग मॉडल 36,200 रुपये का लैपटॉप है हमारे पास, इसकी एक साल की वारंटी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है i3 है, 11th जनरेशन है, 8 GB की रैम है, 512 SSD है, विंडो 11 है, MS ऑफिस, और इसके साथ एक लैपटॉप बैग फ्री है, और एक पेन ड्राइव हमें इसके साथ 500 रुपये की पेन ड्राइव 64 GB दे रहे हैं फ्री दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसके बाद साथ हमने ये भी डिस्काउंट रखा कि जो ये समय आज इस महाकौशिक मेले में ये डेस्कटॉप बुकिंग कराएगा 5 दिनों के अंदर अंदर, 5 दिनों के, उसके लिए हमने 1,000 रुपये अपनी तरफ से एसआर कंप्यूटर की तरफ से फ्री गिफ्ट, बिल्कुल फ्री गिफ्ट। हाँ भाई, भारी डिस्काउंट है महाकौशिक मेले में अपने उत्तराखंडी भाई लोगों के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोग आए या बुकिंग करें या नंबर हमारा नोट कर लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से भी आप आपसे पूछ सकते हैं, आप उनको अपना ये नंबर दे सकते हैं हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, आपके जो ब्लॉग है, आप मंजू
जयंती बिष्ट, मंजू जयंती बिष्ट जो इनका ब्लॉग है, इनके जितने भी सब्सक्राइब हैं इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इनको देखा है कई बार अपने उत्तराखंड में आते हैं, अपने उत्तराखंड की धरोहर को ये बिल्कुल दिखाते हैं कि कैसे हमारी संस्कृति है, कैसे हमारे देवी देवताओं का मंदिर होता है, पुराने से पुराने चीज़ें दिखाते हैं, कैसे हमारे वहाँ पे खान पान है, कैसे हमने पहले खेती बाड़ी करी है, सब इन्होंने दिखाया है, कैसे शादी ब्याह होता है, ये तो ये सब मैं इनके ब्लॉग में देखता रहता हूँ। तो जितने भी इनके सब्सक्राइबर हैं जरूर इनको जरूर सब्सक्राइब करें और इनको हमेशा आगे बढ़ाएं और इनको हमेशा इनका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद मंजू जयंती 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 बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं भी कहता हूँ, इन्होंने भी अपना ये कि यहाँ पे अपना रसोई घर खोला हुआ है जो रसोई घर के नाम से है, और बड़ा ही इन्होंने घर की रसोई और इसमें इन्होंने मैं ये मेरे को देख सुनने में भी आया है कि ये क्लाउड किचन के नाम से नोएडा में नई अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, ओपन करेंगे। तो जितने भी नोएडा अपने एनसीआर दिल्ली में जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं जरूर इनके क्लाउड किचन को जरूर एक बार ये, क्योंकि मैंने देखा है कि आप फ्री होम डिलीवरी करने जा रहे हैं तो फिर ये फ्री ऑफ डिलीवरी भी करेंगे, तो एक बार इनको जरूर सेवा का मौका दे क्लाउड किचन के नाम से इनकी घर की रसोई है। तो धन्यवाद सभी भाई लोगों को, सभी उत्तराखंडों को एक बार जरूर, धन्यवाद आप सबका भी। कॉल नंबर 171 और यहाँ पे आए जितनी भी मेरी फ्रेंड्स है और मेरा सर्कल ग्रुप है, जो भी है मेरी बहनें, जो भी है मेरे सब्सक्राइब जितने भी हैं, यहाँ पे जरूर आए और काफी सारा डिस्काउंट है यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप में, तो भारी डिस्काउंट जी, 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 जी। उपलब्ध करें, सब डिस्काउंट, बहुत डिस्काउंट है हर चीज में। हाँ। तो आप लोग जरूर आए यहाँ पे, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है यहाँ पे जरूर आए और कंप्यूटर बुक कराए। पाँच दिनों का है, एक दिन तो बीत चुका है, अब है 4 दिन, तो 4 दिन में आप जितनी खरीदारी कर सकते हो, भारी डिस्काउंट दे रखा है। अब अपने उत्तराखंडी भाई बहने हो चाहे नॉन उत्तराखंडी हो, कोई भी हो, सब आए और यहाँ पे भारी फायदा उठाए, लाभ उठाए, ऐसी चीजें फिर कहीं नहीं मिलेंगी जो महाकौथिक में। इधर बन गई हमारी आलू गोभी की सब्जी, सब लोग बना रहे पीछे कम लगे हुए हैं खाना बनाने में सुबह 7 बजे से। दीपिका और बेगी हाँ मिल गई, अब यहाँ पे काफी भीड़ होने लग गई है, सुबह की बज रही है 12, तो धीरे धीरे करके भीड़ हो गई है। यहाँ पे हैं सब लोग, ये भी पहाड़ी हैं और ये लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप लोग भी आइए, पहाड़ी लोग सब आइए, पहाड़ी क्या कोई भी आइए, कोई नॉन पहाड़ी सारे भारतीय आइए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नमस्ते इंडियन चैनल के नाम से हमारा चैनल है, बिल्कुल सपोर्ट करना इन लोगों को भी। हाँ। और है ना, है ना, और मेरा भी चैनल है यूट्यूब में ज्वालपा भगवती माँ। अच्छा ज्वाल, एक बार आपके चैनल का नाम क्या है? फ्रेंड्स बहुत तेज धूप लग रही है, बहुत तेज धूप, आंखें भी नहीं खुल रही धूप में। तो फ्रेंड मैं ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी जरूर करना कि महाकौथिक का मेला आप लोगों को कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ ज्वालपा, अपना ध्यान रखना।